के चित्त को ठाकुर जी ने अपनी ओर आकृष्ट किया। यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि तृणाव्रत को मार करके रजोगुण तमोगुण को नाश किए और अघासुर कौन था, पाप था। अन्य किसी जन्म में ठाकुर जी पापी का तो उद्धार किए थे लेकिन पाप का उद्धार नहीं किए थे। अघासुर साक्षात पाप था, ठाकुर जी ने उस पाप का उद्धार किया। और इसके बाद महाराज बकासुर का उद्धार किया। बकासुर कौन था, दंभ। ये दंभ को हटाए। इसके बाद महाराज वृषभासुर आया। वृषभासुर साक्षात धर्म ही था। देखो भाई, भगवान के भजन में ये संसारिक धर्म भी बाधा डालता है, उसको भी भगवान को हटाना पड़ा। इसके बाद व्योमासुर आया। व्योमासुर कौन है, समाधि है। ये भगवान के भजन में और ब्रज में समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आँख खोलकर ठाकुर जी का लीला देखो। इसके बाद ठाकुर जी ने कालिये का उद्धार किया। ये कालिये कौन है, देहाध्यासो ही काली है। ये काली है, ये नाग। ठाकुर जी ने गेंद के बहाना जमुना जी में गए और काली का उद्धार किए। भागवत में लिखा गया है हमारा, इतना सुंदर ठाकुर जी के रूप काली नाग ने देखा तो कहा कि अरे हमारे पास आने के लिए सब डरते हैं, छोटा सलोना लड़का है कैसे आ गया। महाराज ठाकुर जी को बांध लिया, भगवान उसके बंधन को तोड़ करके उड़ गए। ठाकुर जी के मन में आया कि मैं नृत्य करूं। देखो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं लेकिन श्री कृष्ण चित्र तांडव नृत्य करते हैं। ये ठाकुर जी के कृष्ण शिव जी के नर्तन को देख करके सब स्त्रियां भाग जाती हैं लेकिन श्री कृष्ण के नर्तन को देख करके सब स्त्रियां आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का यहाँ पर नाम है नटवर। नट जैसे नाचते हैं और वर भी है, दूल्हा भी है, खूब सज धज कर रहते हैं, शिव जैसा एकदम बाघांबर इत्यादि नहीं पहनते हैं। अर्थात एक आचार्य कहते हैं कि महाराज जब तक आप वरण नहीं करेंगे श्री कृष्ण को, वरण करना पड़ेगा फिर, क्योंकि संसार का कौन ये दूल्हा है ना ठाकुर जी, हमेशा वर बन करके रहते हैं। इसके बाद महाराज अघासुर का जब उद्धार किए तो बहुत जोर से नगाड़ा बजा स्वर का। इस नगाड़े को सुन करके तुरंत महाराज आ गए, एक ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी आकर के ठाकुर जी की बड़ा सुंदर स्तुति किए हैं। यहाँ पर लिखा गया अघासुर का जब उद्धार किया गया और उद्धार करने के बाद इतना सुंदर नगाड़ा बजा तो ब्रह्मा सुखे क्या कहाँ से आवाज आई है। तो यहाँ से आकर देखें तो ठाकुर जी महाराज अघासुर के पेट से निकल करके बाल केली कर रहे हैं। देखो ये भी एक रास है, सख्य रस का रास है। ठाकुर जी बीच में बैठे हैं और चारों तरफ ग्वाल बालक बैठ करके खा रहे हैं। खाते खाते एक अपराध हो गया। ग्वाल बालक कहे कि लाला हम लोगों की बछड़ा कहाँ गए। जब श्री कृष्ण के साथ है तो बछड़ा की क्या चिंता। तो भगवान कहे जाओ बछड़ा खोजो। बछड़ा खोजने के लिए गए और बछड़ा कैसे गया तो चीर लोभे न घास खाने के लिए। अरे श्री कृष्ण के साथ है और उन लोगों को भूख लगी है तो भगवान कहे जा खाओ, तो तुम लोग घास खाओ और तुम लोग बछड़ा खोजो। ठाकुर जी दोनों को छोड़ दिए। भगवान मन में सोचे कि मैं वो लोग वैकुंठ छोड़कर इन लोगों के पास आए हैं, इसका चिंता है बछड़ों को और बछड़ा का चिंता है घास की, दोनों को अपराध लगा। तो भगवान कहे जा छोड़ियो। ब्रह्मा जी आया, दोनों लोगों को छोड़ी निकल गया। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे कि आखिर किसका काम है, तो लगा कि ये तो ब्रह्मा जी का काम है। महाराज ब्रह्मा जी चोरी कर लिए थे, 6 महीना तक रहा। इसके बाद इस कथा को कहे कितने दिन के बाद, साल भर के बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर देखे कि अरे जिसको मैं चोरी किया ये तो यहीं पर है। अब ब्रह्मा जी आकर के ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। देखे कि जो चोरी किया हूँ वो रे दोनों एक ही जैसे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए श्री कृष्ण की लीला है। ठाकुर जी का स्तुति किए हैं। नवमिद्यते ब्रह्मभूषे तदिदंबराय गुंजावतंस परीक्षी परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल बेत्र विषाण बेडुं लक्ष्मक्रिये मृदुपदे पशुपांग्रजाय।
हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं उसको नमस्कार करता हूँ जो तीव्र वपुषे, उसका शरीर कैसा है तो काला काला घन घन श्याम, अभी ये नव जलधर के समान से इसका श्री अंग है, बिजली के समान चमकते हुए पीतांबर वस्त्र पहने हुए है। अरे पीता वस्त्रम पीता राधाम्बरम जस्य, पीतांबर क्या है तो राधा रानी का ही, जो राधा रानी को ही कपड़ा जैसे पहने हैं, गुंजावतन जो गुंजा का माला पहने हुए हैं, कैसा माला है महाराज तो वैजयंती माला पहने हुए हैं। वैजयंती माला क्या है, जिसमें शांत दास सख्य वात्सल पंच रस का पंच पुष्पों से माला पहने हैं, वन्यस्त्र जय कवल वेत्र विषाण बेड़ो, जो अपने हाथ में दही भात का कवर लेकर खाते खाते चल रहे हैं, वही लक्ष्मी के एकमात्र मालिक मृदुपते पशुपांग्र जाए, पशु को पालन करने वाले नंद तस अंग जाए, उनके पुत्र को मैं नमस्कार करता हूँ। महाराज इस श्लोक के टीका में एक महात्मा ने 115 अर्थ किया, पशु नंद से अंग जाय, पशु वसुदेव से पशु ब्राह्मण पशु क्षत्रिय, मैंने सब का अर्थ किए हैं, माने भगवान का कोई पता न लगा सके कि किसका बाप किसका लड़का है। ए भाई भगवान का बाप तो कोई हो नहीं सकता है, बाप को जो गड़बड़ा दे वही का नाम तो भगवान है, पता न चले वसुदेव का लड़का है कि नंद का लड़का है। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर स्तुति किए हैं, स्तुति करते करते कह रहे हैं कि हे प्रभु हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि इन ब्रजवासियों को आखिर आप क्या देंगे, आपके पास कुछ है, अरे क्यों नहीं है, मैं इसको अपने आप को दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी कहे अपने आप को तो आप दे दिए पुतना को अघासुर को बकासुर को, दुश्मन को भी वही देंगे, जो आपका अपना घर द्वार सब कुछ दे दिया उसको भी वही देंगे, इसमें क्या आपके आश्चर्य है। तो भगवान कहे इन ब्रजवासियों को तो मैं अपना नौकर बन जाऊंगा। देखो भाई ठाकुर जी ब्रजवासियों के हमेशा के लिए ऋणी नौकर बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारा समझ हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। देखो भाई संसार में राग द्वेष तभी तक रहता है जब तक लोग श्री कृष्ण को अपना नहीं बना पाते हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करते थे। सुखदेव जी कहते हैं भाई सभी प्रेम अपने कारण को करते हैं, सबसे प्रेम आदमी करता है किससे, अपने आत्मा से, अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करता, न स्त्री से करता, न धन से करता, न बच्चा से करता। उपनिषद का एक मंत्र है नवारे कामाय स्वजना प्रियो भवतु आत्मनस्तु कामाय स्वजना प्रियो हो, कोई किसी से प्रेम इसलिए करता है कि उसको प्रिय है, उसको यदि प्रिय नहीं तो उसको छोड़ देगा। तो सबसे प्रिय आदमी का शरीर होता है, शरीर से भी प्रेमी प्रेमी प्रिय आत्मा होता है, और आत्मा से भी प्रिय परमात्मा होता है, परमात्मा ही सर्वोपरि है। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी को उपदेश दिए, ब्रह्मा जी को भगवान बात नहीं की। भागवत में लिखा गया है इतना स्तुति किया लेकिन एक शब्द भी बोले ठाकुर जी, उसको छोड़ दी जाओ यहाँ से। महाराज कुछ कुछ महात्मा तो कहते हैं कि ठाकुर जी उससे बात नहीं किए, उसको भगा दिए ब्रह्मा जी, अब ब्रह्म लोक में जा करके ब्रह्मा बन करके ब्रह्म की गद्दी पर बैठ गए, और बैठ करके कह दिए अपने नौकरों से देखो बहु रुपया बहुत घूमते हैं, गेट पर खड़े रहना कोई दूसरा ब्रह्मा ना आ जाए। महाराज ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आए तो उन्हीं का नौकर गेट कीपर ब्रह्मा जी को दय पिटाई, अब तो बड़ा चक्कर में, उधर ठाकुर जी भी नहीं मिले, अब 10 बार इधर से उधर जा रहे हैं, फिर ठाकुर जी आए, खबरदार तुम अपने बाप में बुद्धि लगाते हो, अरे हम तुम्हारा बाप है और हमें तुम बुद्धि लगा रहा है, जा हमारी आज्ञा पा करके अपने शासन पर। इसके बाद महाराज ठाकुर जी धेनुकासुर का उद्धार किए, धेनुकासुर का उद्धार किए, फिर काली नाग का। इस प्रकार ठाकुर जी ने एक एक लीलाओं के द्वारा सबके चित्त को आकृष्ट किए। अब देखिए वर्षा ऋतु आ गया, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के कारण महाराज जी वृंदावन बड़ा सुंदर हो गया, जमुना जी का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया।
ठाकुर जी देखे ये वृंदावन, तो वृंदावन को देख करके आश्चर्य हो गए। वृंदावन के लता पता पेड़ पौधे और जमुना जी को देखे। सुखदेव जी कहते हैं इत्यम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। पद्माकर महाराज वृंदावन में आकर लक्ष्मी प्रत्येक लता पता को सवारती है। पद्माकर सुगंधिना, खूब सुंदर सुंदर मंद सुगंध हवा चलता है। कुसुमित कानन, पूरा लता पता पेड़ पौधा फूल से बिल्कुल वृंदावन का सौंदर्य बढ़ गया। मधुपति रव गाय, मधुपति कहते हैं बसंत ऋतु को, मधुपति के कारण। और मधुपति माने श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण जो मधुपति है, मधुवंशी का मालिक है, वो वृंदावन में क्या करता है तो गैया चराता है। इतना बड़ा होकर के गैयों के पीछे चलता है और वेणु वादन करता है। महाराज उस वेणु की आवाज सुन करके गोपियां अपने घर द्वार छोड़ देती हैं। वेणु की बंसी की आवाज, ये बंसी क्या है? एक महात्मा कहते हैं थे कि ठाकुर जी महाराज गिरिराज जी के तलहटी पे, गिरिराज जी के ऊपर शिला पर बैठ करके एक बार बंसी वादन कर रहे थे। बंसी की आवाज सुन करके लक्ष्मी जी आ, अरे सरस्वती आ गई। और सरस्वती ऐसा आवाज सुनी कि उसका बुद्धि काम नहीं के, कुछ राग रागनी हो जाते हैं। ठाकुर जी ने इतना सुंदर तान छेड़ा कि वहीं महाराज सरस्वती शरीर छूट गया। छूट करके महाराज बांस बन गई, और बांस बन गई तो बांस को काट करके महाराज उसको छेद किया गया, वही बंसी बनी। सरस्वती ही बंसी बन गई। और ठाकुर जब बंसी बजाते थे तो उथल पुथल हो जाता था पार सारा। स्मरोदय, स्मर कहते हैं काम को, काम महाराज हृदय में जग कर जाता है। एक आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई, सबसे पहले तो समाधि लगाओ, भजन करो, भजन करके अपने काम को जला दो, तुम्हारा काम संसार के लायक न रहे, और तब भगवान बंसी बजा करके तुम्हारे काम को जगाएंगे। और काम कृष्णोन्मुख होगा, संसारोन्मुख नहीं होगा, अब संसार के लिए नहीं रहेगा। जब बंसी बजाते थे ठाकुर जी तो बंसी को सुन करके गोपियां कहती थी मुर हर रंधन समय मा कुरु मुरली रवम। अरे कन्हैया, जब हम लोग भोजन बनाती हैं तब तुम कृपा करके बंसी मत बजाया करो। जानते हो बंसी बजाते हो तो हमारी सूखी सूखी लकड़ियां गीला हो जाता है, और गीला होकर जो आग जलना है उसमें पानी छोड़ने लगता है, आग बुझ जाती है, और सास डंटा पीटती है कि इतना देर लग गया रोटी बनाने में। एक गोपी कह रही है कि अरे सखी क्या करें, जब ये बंसी वादन करता है तो बंसी को सुनकर हम किसी लायक नहीं रह जाती, घर छोड़ देती। महाराज एक आचार्य कह रहे हैं कि एक सास अपने बहू से कहे कि खबरदार, ये जो काला नाग कन्हैया ब्रज में जन्म ले लिया है उसका तुम दर्शन मत करना। महाराज वो चावल को फटक रही थी, ऐसे सूप में लेकर फटक रही थी। कन्हैया सोच लिया इसने तो व्रत ले लिया है कि हम रूप देखोगी नहीं, तो ठाकुर जी उसी रास्ते से आ रहे, ये अपना चावल फटक रहे थे। भगवान एक बार आए, अपने पैर का झंकार किए फिर भी नहीं देखी, फिर दोनों पैर का झंकार किए फिर भी नहीं देखी, तो ठाकुर जी महाराज थोड़ा नृत्य कर दिए फिर भी नहीं देखी। तब भगवान वहां खड़ा होकर के बंसी वादन करने लगे। जब बंसी वादन किए तो उठ करके देखी, देखी तो महाराज चावल को छोड़ करके नाचने लगे। अब लाकर लोग कहने लग रहे तुम्हारी बहू तो कन्हैया बंसी बजा रहा है, वो नाच रही है। उस दौड़ करके सास आई, सास देखी तो वो भी नाचने लगी। इसके बाद ननद आई, ननद कहिए क्या हो रहा है, वो भी आई, वो भी नाचने लगी। महाराज ये बंसी यही करता है, बंसी जब बंसी संसार का विस्मरण करा देता है, कृष्ण अपनी तरफ खींच लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं तद ब्रजस्त्रिय आसुत्य वेणु गीतम स्मरोदय। श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए बंसी की आवाज सुनकर के गोपियां क्या होती थी, तुम्हारा स्मरोदय अनंत जन्म का जो कृष्ण प्रेम था उनके हृदय में जाग जाता था, और अपने सखी के साथ बैठ करके बातचीत करने लग जाती थी। क्या बात करती थी? तद वर्णित तुम्हार दस्तब्द कृष्ण चेतन, कृष्ण की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी का चिंतन करके, चर्चा करके महाराज ना सकम स्मर बेगे न विचित्र मन शोध। सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित,
श्री कृष्ण की उस बंसी की आवाज सुन करके ब्रजबालाए नासकम स्मर बेगेन, उस प्रेम को रोक नहीं पाती और विक्षिप्त होकर के वहां बेहोश होकर पड़ जाती थी। वो कृष्ण का रूप कैसा है तो कहते बरहा पीडम नटवर बपु पम बपु अमृतम पु माने पुष्णाती। इस श्री कृष्ण की बंसी क्या करता है, समस्त जगत में अमृत का संचार कर देता है। और कन्हैया क्या है, नटवर है, नट माने नाचने वाला, वर माने दूल्हा, 24 घंटा तैयार रहता है शादी करने के लिए। अरे जगत जीवो तुम लोग कहां भ्रम में पड़े हो, कन्हैया 24 घंटा दूल्हा बन के खड़ा है, क्यों नहीं तुम पाणी ग्रहण कर लेता है। अरे तुम्हारा वरणेय गायत्री मंत्र है ना, वरेण्यम, ये वरणीय केवल श्री कृष्ण है, संसार को वरण करके तुम लोग क्यों पछताते हो। कन्हैया तो दूल्हा बनकर तैयार रहता है, नटवर वपु कान में कुंडल लगाया हुआ है, कर्णिकार महाराज कान में कनेर का पुष्प लगाया है, खूब सुंदर उसका वस्त्र है, कनक कपिसम सूर्य के रश्मि जैसा दिव्य पीतांबर पहना हुआ है, शांत दास सख्य वात्सल ये पंच पुष्पों की माला पहना हुआ है, अपने अधर पर वंशी धारण करके पूरेन गोप वृंदे महाराज इस प्रकार गोप बालकों के साथ इस वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं इति वेणुरवम श्रोत्वा सर्वभूत मनोहरा। ये मनोहरम, ये श्री कृष्ण का वंशी वादन कैसा है तो केवल मनुष्य के ही चित्त को हरण नहीं करता है, सर्वभूत पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा नदी तालाब सब वंशी की आवाज सुन करके पागल हो जाता है। हमारा जब गोपियां ब्रजवा वंशी सुनती तो सुन करके क्या करती तो वर्यंतु भी दे दी, एक गोपी दूसरे गोपी के साथ बैठ करके महाराज रात दिन केवल बंसी की ही चिंतन करती। गोपी आकर के कहते रि सखी क्या कहें, अक्षण बताम फलविदम, इस संसार में उसी का नेत्र धारण सार्थक है जो नंद नंदन श्री कृष्ण और विश्वभानु नंदनी दोनों एक दूसरे की गलगहियां देकर वृंदावन के जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, उसको जो देख लिया बस उसकी आंख इतनी सार्थकता है। अरे सखी देखो तो सही, इस बेड़ू ने न जाने किस जन्म में कौन सी ऐसा तपस्या किया जिसके फलस्वरूप हम लोगों की निजी संपत्ति श्री कृष्ण का अधराशव दामोदर, ये दामोदर हमारा है, हम लोग उसको उसके कमर को बांध दी हैं, ये हमारा है, और उस दामोदर के अदर सुधा को एकमात्र अकेले काठ जाति का लकड़ी जाति का बंसी पान कर रहा है और इतना पी रहा है कि थोड़ा सा छोड़ेगा भी नहीं, भूमते स्वयं जदवशिष्ट रसम हृदय में। श्री कृष्ण के अधराशों को पान करते 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 थोड़ा सा भी छोड़ेगा नहीं, सब पी जाएगा, इसीलिए वृंदावन के जितने पेड़ पौधे लता पता है सब प्रसन्न है कि हमारे जाति का लड़का इतना बड़ा ऊपर हो गया, कृष्ण का अधराशों पान कर रहा है, इसलिए महाराज तालाब प्रसन्न हो गया कि ये पेड़ का पानी हमसे गया है, वृक्ष प्रसन्न हो गए कि मेरे वंश का है, जितने भी वृंदावन का है लोग हैं सब बंसी से अपना संबंध जोड़ने लगे कि मेरे कुल का है, ये मेरा जल लिया है, हवा कह रहा है कि मैं हवा दिया हूँ, सूर्य कहता है कि मैं उसमें ताप दिया है, चंद्रमा कहता है कि मैं इसमें प्रकाश दिया हूँ, इसलिए बांस बड़ा हुआ है और वो बांस श्री कृष्ण के अधराशों को प्राप्त कर रहा है। हृष्यत त्वचोस मुमुचुस तरवो जथारिया। देखो भाई प्रेम जब होता है ना तो प्रेम का स्वभाव है, प्रेम अपने आप को छोटा समझता है। गोपियां कहती हैं अरे सखी हम लोगों का क्या प्रेम है, प्रेम तो इस बंसी को है, ये बंसी श्री कृष्ण की 24 घंटा धराशों का पान करता है। एक गोपी कहती है अरे सखी ये तो बंसी है, ये वृंदावन कितना भाग्यशाली है जिसके छाती पर नंद नंदन श्री कृष्ण अपना चरण हमेशा रखते हैं, वृंदावन सखी भू वितनो की कीर्ति, अरे वृंदावन वैकुंठ के भी ऐश्वर्य को फीका कर दिया है, गोविंद बेण मत मत मयूर नृत्यम प्रेक्षा निशान्य परतान्य समस्त सत्वम, सारे संसार के जीवों के चित्त को आकृष्ट कर लिए हैं,
एक गोपी कहती है, अरे सखी तुम इस वृंदावन की महिमा क्या गा रही हो, देखती नहीं ये हरिनिया जब नंद नंदन श्री कृष्ण को अपने नेत्रों से देखती हैं तो इतना तेज और एक तक देखती रहती हैं कि लगता है कि अपने नेत्र रूपी कमल को श्री कृष्ण के चरण कमल पर अर्पित कर देंगे। आकर्ण बेरुडरितम सह कृष्ण सारा, अपने पति के साथ रहते हुए भी ये विशुद्ध हो जाती हैं और प्रणयावलोक ही अपने नेत्र को, हिरणियों का जो मोटा मोटा नेत्र है ये नेत्र कमल को श्री कृष्ण के चरण कमल पर अर्पण करते थे। एक गोपी कह रही है कि अरे सखी तू वृंदावन की हिरणिया है, देखती नहीं जब नंद नंदन श्री कृष्ण अपने अधर पर बंसी वादन करते हैं तो बंसी की आवाज सुन करके देवांगनाएं अपने पति के साथ वृंदावन के आकाश मार्ग में आ जाती है। देव्यो विमान गतय स्मरणानुसार, और बंसी की आवाज सुन करके अपने पति के साथ रहते हुए भी भ्रस्यत प्रसून कमरा, इनके चोटी के फूल सब गिर जाते हैं, मुमुहुर भी नहीं, इनकी निवी बंधन खुल जाती है, ये तो आश्चर्य देखो। एक गोपी कहती है अरे तो देवियां हैं इनको नहीं देखती हो, ये छोटे छोटे बछड़े जब अपने मैया का आस्तन पान करते हैं उसी समय नंद नंदन श्री कृष्ण की बंसी की आवाज आती है तो ये बछड़े दूध को न पी सकते न उगल सकते, सन्न होकर श्री कृष्ण का दर्शन करने लगते। गोविंद आत्मनि दिशास्रु कलाश संत्य, ऐसी स्थिति हो जाती है। एक गोपी कही गरी तो एक बछड़े हैं, देखो भाई प्रेम गंध सुन, प्रेम होता है तो लगता है हम में प्रेम नहीं उसमें प्रेम। एक महात्मा कहते हैं जो साधु सोता है कि मैं सबसे बड़ा हूं सब मुझसे छोटा हूं, एक नंबर बेवकूफ, जब बड़ा होगा जब भक्ति आएगा तो लगेगा कि सब महान है हम छोटा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि अरे हम तो हमें प्रेम नाम का कोई चीज ही नहीं, प्रेम का गंध भी नहीं है, प्रेम क्या होता मैं नहीं जानता। एक गोपी कह रही है कि अरे सखी कहाँ तक बताएं, कृष्ण की बंसी की आवाज सुन करके ये पक्षियां पेड़ पर बैठ होकर मुनियों जैसी सन्न हो जाती हैं। एक गोपी कहती है कि अरे सखी ये तो देखो ये बंसी की आवाज सुन करके जमुना जी में उताल तरंग आता है, आवर्त लक्षित मनो भव भग्न भेगा, ये उताल तरंग क्यों आता है, इसलिए तरंग आता है कि अपने दोनों भुजा को उठा करके नंद नंदन श्री कृष्ण को आलिंगन करे, आलिंग नस्त गत भुजे हुआ है और आलिंगन करने से भुजा कांपने लगती है। गृहणंति पाद जुगलम कमलोपहारा, और अपने हृदय में जो कमल का पुष्प है उसको अर्पित कर देते हैं। एक गोपी कहती है कि पूर्णा देखिए यहाँ ब्रज की स्त्रियां छोटी जाति की स्त्रियां घास काटने के लिए जंगल पर जाती हैं तो उसी समय क्या हुआ कि एक समय नंद नंदन श्री कृष्ण प्रिया जी के वक्षस्थल पर लगे हुए केसर अपने चरण में लग गया और उस चरण से जब चले तो घास पर पड़ गया और घास काटने वाली स्त्री देखी कि इस पर कुछ कुमकुम लगा है तो उसको लेकर अपने गाल पर अपने हृदय पर मलने लगी और मलते ही बेहोश होकर गिर गई। तद दर्शन स्मर रुदर तृण रुषिते न, तृण के स्पर्श करने से महाभाव जागृत हो गया। लिंपंत आनन कुचेसु जहुस्त दाधि, महाराज उस कुमकुम को अपने कपोल पर अपने हृदय पर लगाई। एक गोपी कहती हरि सखी हंताय मद्रिम बलो हरिदास वरजो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, हरि सखी इस गिरिराज ने न जाने किस जन्म में कौन सी ऐसी तपस्या किया कि ये हरिदास वर्ज है, जितने भी आज तक श्री कृष्ण के भक्त हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी हैं। देखो तो सही श्री कृष्ण इनके छाती पर अपना चरण रखते हैं, श्री कृष्ण के लिए निभृत निकुंज की कंदराएं बनाए हैं, पीने के लिए झरना बनाए हैं, मानव तनोति सहगो गणयोस तयोर यत्, गाय के लिए पशु के लिए गोप बालकों के लिए पानी पीने के लिए कंदरा फल फूल इत्यादि देते हैं। इस प्रकार महाराज महात्माओं का इन ब्रज गोपियों का समय बीतता था। देखो भाई महात्मा लोगों का समय कैसे बीतता है तो रात दिन कृष्ण चिंतन करते वर्णयन्तु मिथा गोप्य क्रीड़ा स्तन्मयताये, एक गोपी श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान कर रही है और दूसरा सुन करके तन्मय हो रही है। देखिए अब कहते हैं चीरहरण,
आवरण भंग जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति रस का स्वादन नहीं होगा। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, माँ जब तक अपने अस्तन पान, अपने कपड़ा को खोल करके बच्चे को अस्तन पान नहीं करेगी तो वात्सल्य रस का स्वादन नहीं होगा। जब तक गुरु देहाध्यास को तोड़ेगा नहीं, आवरण भंग करेगा नहीं, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अब मधुर रस में भक्त और भगवान के बीच में जो अज्ञान का पर्दा लगा है, आवरण लगा है, उसको ज्ञानी को तो अपने तपस्या से हटाना पड़ता है, लेकिन भक्त का आवरण भंग भगवान को करना पड़ता है, ठाकुर जी को ही करना पड़ता है। अब गोपियां के आवरण भंग करने, यही है चीर लीला। देखो भाई, तुझको भगवान से प्रेम है और निठल्ले बैठे रहोगे तो प्रेम होगा नहीं, प्रेम होगा कि तुझको काम करना पड़ेगा, बिना साधन के भगवान नहीं मिलेगा। कोई चुपचाप बैठे रहे कि हमको भगवान मिल जाए, अरे तुझको भगवान से प्रेम है तो कुछ काम करो, कुछ सेवा करो, साधन करो, तब तो ठाकुर जी मिलेगा। निठल्ले बैठे रहोगे तो भगवान को तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे जैसे हजारे लोग हैं। अब इसी बात को सिखलाने के लिए यहाँ चीर हुआ है। ये गोपियां जान गए कि कृष्ण अभी भी साधना कर रही है, चुपचाप बैठने से ठाकुर नहीं मिलता, उसके लिए सेवा करना पड़ता है। सेवा करेंगे तो भगवान के हृदय में ऐसी वासना जगेगी कि अरे उसको मैं अपनाऊं, चुपचाप बैठे रहेंगे तो हजार लोग पड़े हुए। इसके लिए कात्यायनी व्रत की, कात्यायनी कौन है जानते हैं ना, कौन है, सुभद्रा जी, कात्यायनी मैया। अरे भाई कृष्ण से मिलना है तो थोड़ा बहन को तो प्रसन्न करो, बहन को खुश करेंगे तभी तो भैया के पास ले जाएंगे, यही है जो आया सुभद्रा। तो यही कात्यायनी है, चेरुर हविष्यम गुंजान कात्यायनी अर्चनम व्रतम। ये नहीं कि अब कृष्ण का ही है, कृष्ण को खुश करना है तो भले साधु संत को खुश कर लो, उनकी बहन को खुश कर लो, यशोदा जी को खुश कर लो, दाऊ दादा को खुश, लक्ष्मण जी आचार्य हैं उनको खुश करो, एकाएक सोते हो कृष्ण से मिल जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। इसीलिए गोपियां कात्यायनी व्रत की, कैसे की तो अगहन का महीना है, ठंडा ठंडा पानी है, वहां पर कालिंदी के तट पर जाती है और जाकर के स्नान करती, स्नान करके महाराज बालू का देवी बनाती है। देखो ये विधान है शास्त्रों में, पूजा की और पूजा करके फिर मिटा दी, फिर पूजा कर, फिर बनाए, फिर पूजा करके ऐसे ही करती हैं। कृत्वा प्रतिकृतिम देवी आनर्चु नृप सैकतिम, बालू का देवी बनाती, गंध माल्य सुरभि बल भी मधु दीप कई, रोज पूजा करती है और पूजा करके प्रणाम करती है और प्रणाम करके क्या कहती हैं, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। देखो भाई पूजा किसी की करो लेकिन मांगो ठाकुर जी को। संसारिक लोग क्या करते हैं, भगवान को भी पूजा मांग करते हैं और मांगते हैं संसार को। अब भक्त लोग कहते क्या करते हैं, पेड़ पौधा की भी पूजा करते हैं, मानते हैं ठाकुर जी को, यही आराधना, यही किसी की भी प्रणाम करो, प्रणाम करके क्या मांगना है तो ठाकुर जी को मांगना। इस प्रकार एक मास तक व्रत किए, देखिए पूजा हो रहा है किसका, कात्यायनी का, प्रकट कौन हो गया, कन्हैया, वहां कात्यायनी नहीं प्रकट हो, वहां कन्हैया प्रकट हो। कन्हैया आकर के क्या किया, उन लोगों के वस्त्र को लेकर कदम पर चढ़ गया और कदम पर चढ़ करके कृष्ण ने डांटा, सब लोग तुम लोग सामूहिक पाप किए, अकेले नहीं इतने स्त्रियां अकेले वो भी जमुना जी में नंग स्नान किए हैं, तुम लोग अपराध किए। जिसको जिससे प्रेम होता है ना उसका डांट स्वीकार कर लेता है, कन्हैया डांटा सब गोपियां कही हाँ हम गलती किए हैं, तुम्हारी बात मानोगी, हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखिए भगवान ने बेइज्जत किया अपने भक्त को, जब तक बेइज्जत नहीं करेंगे तब तक प्रेम देंगे नहीं। सर्वस्व पहले हरण कर लिए, लोक लाइक लौकिक वैदिक सबको हटाए, हटा करके तब गोपियां कहती है, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तयो धृतम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचित राज्ञे ब्रुवामहे। इस श्लोक टीका में महाराज चार प्रकार की गोपियों का वर्णन किया गया है। कोई गोपी सप्तगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है और कोई रजोगुण तमोगुणी है। जो ब्राह्मण घर की सप्तगुणी है वो कहती है कि हे धर्मज्ञ,
हे धर्म के रहस्य जानने वाले श्री कृष्ण हमारे वस्त्र को दे दो। जो वैश्य कुल की शूद्र कुल की है कहती है हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी, और जो क्षत्रिय कुल की है कहती है नहीं यदि देगा तो हम तुरंत कौन से शिकायत कर देंगे, नोचित राज्य ब्रह्म है, यदि ऐसा करेगा नहीं तो राजा से कहा। भगवान कहते हैं खबरदार ये भगवान है खडेश्वर पूर्ण है, इसमें काम नाम का कोई चीज नहीं है। ये चित्त जब संसार की ओर जाता है तो काम उन्मुख हो जाता है, उसको समाधि के द्वारा काम तोड़ा जाता है, फिर काम को जगाकर कृष्ण की ओर ले जाया जाता है, ये साधना। पहले तो उन लोगों का चित्त को तोड़ दिए, संसार के लिए कभी बहेगा नहीं, और जब चित्त शांत हो गया तो फिर उसको काम जगाए, काम माने प्रेम जगाए, प्रेम अपनी ओर खोज कीजिए। भगवान नाहता विच्छा शुद्ध भाव प्रसाद, इन ब्रजबालाओं का शुद्ध भाव को देख करके ठाकुर जी उन लोगों से इस प्रकार कहे चिंता मत करो तुम्हारी इच्छा पूरा हो गया है। और ठाकुर जी ने कह दिया कि ठीक आज से साल भर के बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। देखो भाई संकल्प विदितो साध्व, कहते हैं कि हे ब्रज सुंदरियां आप लोगों का संकल्प हमको पहले से ही पता था, जिस बीज को एक बार भूज दिया जाए या उबाल दिया जाए उसको पुनः पृथ्वी में डाल दिया जाए तो उसमें अंकुरित नहीं होगा, उसी तरह एक बार श्री कृष्ण जिसका आवरण भंग कर दिए उसके हृदय में अब कभी काम की संकल्प भी नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने महाराज आदेश दिया और आदेश दे करके कहा अब आप चिंता मत करो, अब आप लोगों की इच्छा पूरी होगी। अब देखिए भगवान को काम करना है, क्या काम करना है जानते हैं, रास करना है, तो ये रास की तैयारी सब कर रहे हैं, ये जितना काम किए हैं वो सब तैयारी है। इंद्र के हैकड़ी को तोड़े, ब्रह्मा के हैकड़ी को तोड़े, सब राक्षसों के हैकड़ी को तोड़े, और महाराज ब्राह्मणों का भी हैकड़ी तोड़ना जरूरी है, नहीं तो रास करेंगे तो ब्राह्मण कहेंगे अरे ये कहाँ का धर्म है बोल, तो भगवान कहेंगे कि जब धर्म ही देखना था तू अपनी पत्नी को रोका क्यों नहीं, तुम्हारी पत्नी क्यों मेरे पास आएगी, तो पहले उसकी बेइज्जती करते हैं, उनके भी हैकड़ी को तोड़ते हैं। अब जग के पत्नियों पर कृपा है ठाकुर जी का, गोचारण करते करते ग्वाल बाल बहुत दूर चले गए थे, गोप बालकों ने कहा राम राम महाबाहो राम राम महावीरज कृष्ण दुष्ट निवरहणम एसा वै बाधते छुन्नम तत शांतिम कर तुम अरहत, हे राम हे राम हे महापराक्रमशाली राम बलराम जी, हे कृष्ण आपका अवतार दुष्टों को नाश करने के लिए हुआ है, लेकिन अभी बहुत बड़ा दुश्मन हमारे पेट में घुस गया है, कौन सा दुश्मन जानते हैं ना, भक्तों को भूख कभी लगता नहीं है, यदि भूख लग गया तो एक लीला होने वाला है, भक्तों को कैसे भूख लगेगा, लेकिन ऐसा वही बात थे छुन्नम तत शांतिम कर तुम अरहत, बहुत जोर से भूख लगी है, अब इस दुष्ट का भी सफाया कर दो,